सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को चलेंगे प्रतापपुर से लेकर और मेरठ सेंट्रल तक, तो बने रहो। इसमें स्टेशन में क्या क्या काम किया जा रहा है, कितना वर्क हो चुका है कंप्लीट और बायोडक्ट का क्या हिसाब किताब है, वो सब कुछ दिखाएंगे आप सभी को इस वीडियो में। तो बने रहो एंड तक, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहो। और आप सभी को एक चीज़ बता दो, ये बायोडक्ट बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है। इस पर ट्रैक स्लैब भी बिछा दिए गए हैं, ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगा दिए जा चुके हैं। OHE अभी OHE वायर का काम हो चुका है, लेकिन जो जिस पर ट्रेन के पार्ट लगेंगे उस पर अभी वायर का काम नहीं हो पाया। और ये आ चुका है दो रिठानी RRTS का स्टेशन, जो कि बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। इस पर रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर लगाने का काम था वो भी हो चुका है। दोस्तों, अब दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, एक साइड का तो बन चुका है, उस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा रह गया है बाकी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। और फिर उसके बाद में आ जाएगा शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, उस पर भी देखेंगे चल के कि उस पर क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जाना है अभी इस टाइम पे। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को, बने रहो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत के चैनल पर। दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को बताऊं कि ये आगे शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन आने वाला है, जो कि इस पर रैपिड मेट्रो ही रुका करेगी। इस पर मतलब दिल्ली मेट्रो भी रुक, मेरठ मेट्रो भी रुकेगी, लेकिन रैपिड रेल भी इसका, रैपिड रेल के ही हिसाब से इसका स्टेशन बनाया गया है। इस पर ही सबसे ज़्यादा काम अभी इसी स्टेशन पर चल रहा है दोस्तों, शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर। एक साइड का तो एंटी एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का बनाया जा रहा है। उससे पहले इस पर रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर लगाने का काम था वो किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद में नीचे कॉन्क्रीट लेवल पर इस पर पत्थर लगाने का काम चल रहा है, CCTV कैमरे लगाने का काम चल रहा है, और स्क्रीन डोर तो लगा दिए जा चुके हैं, प्लेटफॉर्म में स्क्रीन डोर तो लगा दिए इन्होंने। ये जो भी काम चल रहा है लेफ्ट हैंड पे चल रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का दोस्तों। तो अभी काफ़ी सारा काम है और बनकर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस व्यू से भी देख सकते हो कि इसका जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जा रहा है। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है जोरों शोरों से दोस्तों, क्योंकि ये सन 2025 के मार्च अप्रैल में पूरा रूट आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें से रैपिड रेल का भी और मेरठ मेट्रो का भी, दोनों का ही इसमें खोल दिया जाएगा। तो देखो, एक साइड का तो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, जो जिसका काम था किस चीज़ का, वो जो कंक्रीट का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर फिनिशिंग का काम किया जाएगा, रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है उसको लगाया जाएगा, यानी कि किस पे, इस पे स्टेयर्स पर। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो। ये आप लोग देखो, ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट लेफ्ट हैंड का। और यहाँ से आप सीधे सीधे चलेंगे दोस्तों दौरली RRTS के स्टेशन देखेंगे, ब्रह्मापुरी का RRTS के स्टेशन देखेंगे चल के। उसके बाद में फिर आ जाएगा मेरठ सेंट्रल, जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन है, उसको भी देखेंगे चल के कि उस पर क्या कुछ वर्क चल रहा है अभी, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इस पर ट्रैक स्लैब इधर इस बायोडक्ट पर तो बिछा दिए जा चुके हैं, ट्रैक स्लैब भी बिछा दिए जा चुके हैं, ट्रैक भी बिछ चुका है,
और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा कर OHE लगा दिए जा चुके हैं, बस वायर लगाने का काम भी किया जा रहा है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है और आप लोग देखो और बताओ मुझे कि आप सभी को ये वीडियोस कैसे लगे केपी संत के चैनल पर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब इस व्यू से भी आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं, OHE का काम हो चुका है, लेकिन अभी OHE वायर का काम नहीं हुआ है, वो भी इस पर डाली जा रही है और ट्रैक स्लैब तो पहले ही इन्होंने बिछा दिए हैं। बस जो भी काम बचा है बस स्टेशन का ही बचा हुआ है, जितने भी मेरठ के अंदर जो RRTS के स्टेशन है, मेट्रो के स्टेशन हैं, उन पर ही अभी वर्क चल रहा है ज़ोरों शोरों से। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊँ, यह है ब्रह्मापुरी RRTS का स्टेशन, जिस पर कि एक साइड का लेफ्ट साइड का तो एंटी एग्जिट पॉइंट बन चुका है, राइट हैंड का आप बनाने का काम किया जा रहा है, कौन कुछ लेवल पर पत्थर लगाया जा रहा है, उस पर कैमरेस लगाए जा रहे हैं, लाइटर्स लगाई जा रही हैं और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगाए जा रहे हैं। तो यही काम चल रहा है अभी ब्रह्मापुरी RRTS के स्टेशन पर, देख सकते हो एक्सीलेटर ये रखे हुए हैं, एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे दोस्तों कौन कौन से लेवल से लेकर और प्लेटफॉर्म लेवल तक, और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एक्सीलेटर लगाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरठ सेंट्रल RRTS का स्टेशन, जो कि अंडरग्राउंड होने वाला है, ऊपर क्या कुछ वर्क चल रहा है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहो एंड तक दोस्तों। आप सभी को एक चीज़ और बताऊं, देखो ये बाल बनाई गई हैं, बाल के ऊपर दोस्तों देखो ये जालियां लगाई गई हैं नुकीली, जो कोई यहाँ से लड़ाई दंगा हो जाए तो फेंक ना सके, किसी को कोई चढ़ ना सके, तो इसी वजह से ये रेलिंग लगाई गई है, वो भी कांटोदार। और ये आ चुका है मेरठ सेंट्रल यानी कि फुटबॉल चौक दोस्तों, वो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले ये अंडरग्राउंड स्टेशन है जिस पर काम चल रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि अभी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है अंडरग्राउंड स्टेशन पर, और जब फिनिशिंग का काम हो जाएगा उसके बाद में इस पर
पूरा रोड बना दिया जाएगा। तो अभी रोड भी नहीं बना है और लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ स्लो डाउन रहता है। बस इन्हें कंक्रीट का रोड बनाया है अभी इस टाइम पे, लेकिन वो भी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं और आगे दिखाते चल के, आप सभी को बने रहो और आप सभी बताना क्या ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं केपी संत के चैनल पर दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगा मेरठ सेंट्रल का, क्योंकि इधर मैं ज़्यादा आ नहीं पाता हूँ। तो इसी वजह से आप लोग देख सकते हो ये क्रेन मशीन लगी हुई है भी जो कि इसका कचरा पचरा जो अंडरग्राउंड स्टेशन से निकाला जा रहा, उसी वजह से यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगाई गई है दोस्तों। अभी ज़ोरों शोरों से ही काम चल रहा है, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगी और मेरठ के मोदीपुरम के जाके एंड होगी, और इसका भी आप लोगों को क्या अपडेट देखने के लिए मिलेगा कि कितनी देर में दिल्ली से मेरठ पहुंचाती है या मेरठ से दिल्ली कितनी देर में पहुंचाती है, उसका भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरठ मेट्रो का भी मिलेगा देखने के लिए और रैपिड रेल का भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग बताना हमें कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें ना किया अभी आप लोगों ने अभी तक, और आपका कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि अब आने वाला है फुटबॉल चौक और फुटबॉल चौक पे या कहिए बिल्कुल काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म हो जाता, देखो यहाँ से हम ये घूम गए हैं और ये देखो ये रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये देखो फुटबॉल चौक दिखाई दिया आप सब। तो चलिए आप सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप सभी से इन्जॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों।